राम राम भाई सभी साथियों को। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम था 14 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का जो है वो बच्चे बाहर आ चुके हैं, उनसे हमने रिव्यू पूरा ले लिया है। तो मैं आपको बता दूं भाई, पेपर जो है वो काफ़ी आसान था, आज ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था। मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो तो काफ़ी ज़्यादा आसान था, 20 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन के आसपास तो अपने एडवांस मैथ थे से, और 12-13 क्वेश्चन जो थे अपने वो अर्थमेटिक्स से थे, जिसमें 3 जो क्वेश्चन थे एल्जेब्रा से आए थे मतलब एडवांस में, और 1 क्वेश्चन जो था वो अपना ट्रिग्नोमेट्री से था, और 3 क्वेश्चन जो हैं वो अपने ज्योमेट्री से आए थे। अगर हम बात करें अपना जो अर्थमेटिक का, तो 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से थे, 1% थे साथ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आया, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके साथ में अगर बात करें एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा आसान था, आज का मैथमेटिक्स का लेवल है वो आसान था। साथ में अगर बात करें करंट अफेयर की, तो भाई करंट अफेयर के यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें 2021 और 22 की जो करंट अफेयर आ रही है ज़्यादा डीपली नहीं पूछा गया है। बिल्कुल अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है करंट अफेयर तो आपका हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टैटिक जीके थी उसमें थोड़ा सा आज लेवल थोड़ा बढ़ाया गया है, जो बच्चे बता रहे थे स्टैटिक लेवल का जो बढ़ाया गया है उसमें जो पॉलिटी से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज। और अगर साथ में बात करें कि भाई आपके इंग्लिश का, तो इंग्लिश का लेवल बिल्कुल ज़्यादा मतलब हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा ईजी भी नहीं, ईजी से थोड़ा सा ऊपर आप मान सकते हो, इजी से थोड़ा ऊपर आप मान सकते हो, बिल्कुल सेम पैटर्न है, मतलब सिनोनियम्स आ रहे हैं, एंटोनियम्स आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, पैसिव वॉइस नहीं आ रहे हैं, और उसके अलावा इडियम फ्रेजेस आ रहे हैं, वन वर्ड भी आ रहे हैं, ग्रामर के जो टॉपिक आ रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक आ रहे हैं, कोई ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, वही क्लोज टेस्ट यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो मतलब जो इंग्लिश का पोर्शन है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, रीजनिंग भी है सेम टू सेम पैटर्न पे आ रही है, मतलब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और साथ में अगर बात करें हम, तो ये जो कटिंग वाले पेपर मतलब फिगर जो होते हैं ना वो वाले भी यहाँ पर देखने को मिले हैं क्वेश्चन। सीरीज जो है वो आसान थी, कोई डिफिकल्ट नहीं थी, मतलब आज की रीजनिंग भी आसान थी, क्लॉक और कैलेंडर से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है बिल्कुल भी। तो भाई पेपर का जो लेवल था आज, मतलब मेरे हिसाब से सबसे आसान पेपर जो है जो अभी तक हुआ है मेरे हिसाब से आज का ही है, जितना बच्चों से मैंने रिव्यू लिया है उस हिसाब से बता रहा हूँ भाई। तो इसके अलावा कंप्यूटर बचता है, तो वही कंप्यूटर है, एमएस एक्सेल से पूछे जा रहे हैं सवाल, 2010 का वर्जन है, एमएस वर्ड से भी कुछ सवाल पूछे गए हैं, और शॉर्टकट कीज भी पूछी जा रही है, तो बिल्कुल कुछ भी बदलाव नहीं है, आप तैयारी कर सकते हो, और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं सेम बेसिस पे जो अपना पैटर्न चला हुआ है आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसके अलावा कोई अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, थैंक यू सो मच।